जयपुर जिला परिषद की लंबे समय बाद हुई सदन सभा की बैठक में जमकर हंगामा बरपा। चुमू विधायक रामलाल शर्मा ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई जिला प्रमुख मूलचंद मीणा को अनियमितताओं को लेकर घेरा। इस पर कांग्रेस की पार्षदों ने आपत्ति की, लेकिन भाजपा पार्षदों ने विधायक रामलाल शर्मा का समर्थन किया। इसके बाद जमकर सदन सभा की बैठक में हंगामा हुआ। सदन सभा की बैठक में विधायक रामलाल शर्मा ने पानी और बिजली को लेकर कई सवाल किए। इसके बाद रामलाल शर्मा ने कहा कि जिला परिषद का जो बजट आवंटित किया जाता है उसका मापदंड क्या है, जिला परिषद का बजट विधानसभावार जनसंख्या के आधार पर या फिर इच्छा अनुसार आवंटित किया जाता है, जिला प्रमुख ये बताएं। उन्होंने कहा कि दो विधानसभा क्षेत्र जमा रामगढ़ और पश्चिम में सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया है, वहां सबसे ज्यादा काम कराए गए। रामलाल शर्मा ने कहा कि जमा रामगढ़ में 275 और पश्चिम में 145 काम कराए गए, बाकी सभी क्षेत्रों में जिला प्रमुख ने कम बजट आवंटित किया है। रामलाल शर्मा ने यह पूछा कि जिस तरह से विधायक का वाहन भत्ता 20,000 रुपए तय किया गया है तो क्या जिला प्रमुख का वाहन भत्ता भी तय है। यह बात सुनकर कांग्रेस जिला पार्षदों ने आपत्ति जताई और भाजपा जिला पार्षदों ने विधायक का समर्थन किया। इस बात को लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। कांग्रेस और भाजपा के जिला पार्षद आमने सामने आकर टूटू मामे करने लगे। उनके बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया गया, जिससे पैसा कितना कैसे खर्च होगा गाइडलाइन के मुताबिक नहीं हुआ। जिला प्रमुख ने अपनी मनमर्जी कर ली है ना, 30,000 रुपया उन्होंने 40,000 रुपए संज्ञान में आती है तभी उसकी चर्चा की जाती है। और मैंने जिला प्रमुख जी को यही पूछा है, जिस तरीके विधायकों के 20,000 रुपए वाहन भत्ता सरकार की तरफ दिए है, उसी तरीके से जिला प्रमुख के भी वाहन भत्ता कोई तय है क्या, मैंने यही पूछा था। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, जिस तरीके से आक्रामकता जिला प्रमुख जी ने दिखाई है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है 50,000 से 60,000 रुपए इनका वार्षिक वाहन भत्ता है, और जिला प्रमुख जी जो इनकी लॉग बुक है वो भी सार्वजनिक नहीं कर रहे। और जिस तरीके से प्रतिमाह 60,000 से 70,000 रुपए वाहन भत्ते के रूप में ये उपयोग में राशि ली जा रही है वो अनुचित है, गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा मैंने कहा कि कोई न कोई ऐसा मापदंड जरूर होगा कि पॉपुलेशन के आधार पर किसी ग्राम पंचायत समिति को बजट आवंटन किया जाता हो, या हो सकता है कि पंचायत समिति को समान रूप से बजट आवंटित किया जाता हो। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ दो पंचायत समितियों को सबसे अधिक बजट दिया गया और बाकी पंचायतों की उपेक्षा की गई, मेरे ख्याल से ये भेदभाव ठीक नहीं है। समान रूप से जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार जिला परिषद की राशि का आवंटन पंचायत समिति को होना चाहिए, और यही बात मैंने सदन में रखी है।
और मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि जिला प्रमुख जी अगर अपनी बात के ऊपर या अपने अधिकारों का उपयोग सही तरीके से कर रहे हैं तो उनको कहना चाहिए कि आगे बढ़ गया कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है, इसकी जांच कराने की मैं घोषणा करता हूँ। कलेक्टर साहब यहाँ मौजूद है, एक कमेटी बनाए, कमेटी जांच कर लेगी। अगर वास्तविकता में सही है, राशि का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और राशि का अगर दुरुपयोग किया है तो उसकी रिकवरी होनी चाहिए। तो पंचायत समितियाँ कौन सी हैं जिनके ज्यादा? मुझे लगता है कि जिला प्रमुख जी को किसी पार्टी के द्वारा आश्वस्त किया गया था कि आपको जमारामगढ़ या बस्ती में से कहीं से चुनाव हम लड़ाएंगे, और जिस तरीके से बजट इन जमारामगढ़ और बस्ती को आवंटन किया गया, मेरे ख्याल से वो गलत है। अपने स्वार्थों के आधार के ऊपर सदन नहीं चलता। जिला प्रमुख जयपुर की एक जिसको गरिमा में हम पद कह सकते हैं, पोस्ट कह सकते हैं, यहाँ हजारों नहीं लाखों लोगों की आस्था इस जिला परिषद से जुड़ी हुई रहती है। गांव के लोग सड़क और पानी की आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि हमारे पंचायत समिति के अंदर भी जिला परिषद से बजट आएगा, लेकिन जिस तरीके से बजट का दुरुपयोग किया गया और अभी तक इन्होंने जो कार्य जारी किए हैं उनके मेरे ख्याल से 30% की टीएस नहीं आई, क्योंकि काम ही ऐसे जारी किए गए हैं जो संभव ही नहीं है। व्यक्तिगत लाभ देने के लिए किसी को यहाँ बोरिंग स्वीकृत कर दिया, किसी के घर तक सड़क पहुंचाने का काम स्वीकृत कर दिया, अब वो ना सरकारी जमीन है ना सरकारी रास्ते हैं, और व्यक्तिगत लाभ के आधार पे गाइडलाइन ये कहती है कि व्यक्तिगत लाभ के आधार के ऊपर जब तक व्यक्ति सिलेंडर नहीं करे तब तक वो काम नहीं हो सकता। इनके 30% भी टीएस कम्प्लीट नहीं है। तो ये तो सदन है, इसमें किसी के कई गुबार होते हैं, निकल जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपस के चलते रहते हैं, कोई विशेष बात नहीं है कि बस्ती और रामगढ़ देखिए वो नहीं नहीं ऐसा है कि जहाँ से मैं बताऊँ वो जैसा यहाँ से मांग होती है ना वहीं के लिए काम स्वीकृत होते हैं। वैसे जयपुर के आसपास तो आप देखिए कि जेडीए रीजन है, उसमें तो वैसे ही विकास 50-50 लाख तो जेडीए ने ही दे दिए थे, तो जो अति पिछड़े इलाके उनमें हम प्राथमिकता से देते हैं और उसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, वो हम आवश्यकता के अनुसार उसका बजट स्वीकृत करते हैं। चौमू विधायक ने आपके वाहन भत्ते पर भी सवाल उठाए। चौमू विधायक जी को नियमों की जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। उनको यही पता नहीं है कि नियम में क्या है, वो भत्ते के रूप में मिलता ही नहीं है, यहाँ तो दिनों के हिसाब से मिलता है, उनको यही पता नहीं है। इसलिए माननीय विधायक जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो नियमों को जानकारी करें, उसके बाद में कोई प्रश्न करे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वो बोल सकता है, विकास के ऊपर बोलते हैं और हमने यही व्यवस्था दी है कि वो असम्मानित सदस्य हैं और सम्मान के साथ जो यहाँ से जो निर्णय होते हैं उनको वहाँ विधानसभा में, और जो सांसद होते हैं वो लोकसभा में उस बात उठाएं और उनकी सही क्रियान्विति कराएं ताकि जनता को उचित राहत मिल सके। फाइलें वाइलें तो यहाँ आपस में आती जाती रहती है, यहाँ कोई फाइलों का कोई जिक्र ही नहीं है। आप इस तरह यहाँ तो फाइलें तो नीचे से सिस्टम है, नीचे से ऊपर आती, ऊपर से नीचे जाती है, इसलिए कोई अरे आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है। अभी आप पे कोई आरोप लगा दिया जाए तो वो कोई आरोप कोई वो नहीं होता, इसलिए इन बातों का यहाँ से कोई यहाँ कोई सदन की बैठक हो रही है, सदन में बैठक के हिसाब से ऐसा कोई फाइलें नहीं होती है भाई, ऐसी कोई फाइलें वो तो आती जाती रहती है फाइलें, उनका कोई लेखा जोखा वो इस तरह से थोड़ी रखा जाता है। ये तो ठीक है, इनके क्या है मुझे नहीं पता ये क्या बोलना चाहते हैं, इसलिए उस पर कोई ऐसी कोई बात ठीक है ठीक।